भी नाम से न्यूज़लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 11 नामांकन हुए रद्द, 23 उम्मीदवार लो चुनाव मैदान में। भंडारा अत्यंत रोमांचक क्षणों में प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा सेना युति प्रत्याशी सुनील मेंढे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस व मित्र दल के प्रत्याशी ने नाना पंचभूते सहित अन्य कुछ प्रत्याशियों ने रैली के साथ नामांकन दाखिल किया था। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की छटनी थी। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए कुल 34 उम्मीदवारों ने आवेदन प्रस्तुत किए थे। मंगलवार को इन आवेदनों की छटनी के बाद 11 उम्मीदवारों के आवेदन रद्द हुए हैं। 28 को नाम वापसी, 11 उम्मीदवारों के आवेदन रद्द होने के बाद अब 23 उम्मीदवारों के आवेदन वैध साबित हुए हैं। इसके अलावा साफ हो सकेगा कि चुनाव मैदान में उम्मीदवार शेष रहेंगे। जिन उम्मीदवारों के नामांकन वैध रहे हैं उनमें से नाना पंचभूते, राष्ट्रवादी कांग्रेस विजया राजेश नांदुरकर, बहुजन समाजवादी पार्टी सुनील बाबूराव मेंढे बीजेपी, कारून नागोजी नाने वंचित बहुजन आघाड़ी, भीमराव दुर्योधन बोरकर पीपल्स पार्टी इंडिया, टेका मेंट्री भोजलाल मरस कोले भाजपा पार्टी, राजकुमार भेलावे पीरीपा व निर्दलियों में अतुल हल्का में अन्य शामिल। 25 गांव करेंगे चुनाव का बहिष्कार। भंडारा अड़ियल जिले के लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद अड़ियल तहसील निर्माण के लिए सभा बैठने का दौर शुरू है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।